हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपका एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी की अपडेट आई है। दोस्तों, यहाँ पर दो अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन का फाइनल पैनल बचे हुए हैं, वो कब तक आने के चांसेज हैं और ज्वाइनिंग लेटर कब तक रिलीज किए जाएंगे, इसके रिगार्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है दोस्तों। और मेडिकल हुए हुए आपको पता है 10 माह से ज़्यादा टाइम बीत गया है, पर अभी भी काफ़ी कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग नहीं मिला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन हिट करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये अपडेट आपकी आई थी 2 दिन पहले। तो रेलवे एएलपी 2018 तकनीशियन भर्ती पूरी करे सरकार, ये मांग की गई थी दोस्तों। यहाँ पर मेडिकल और वेरिफिकेशन पैनल लिस्ट आने के 10 माह बाद भी अभ्यर्थी आज तक बेरोजगार। अभ्यर्थियों को अब ये भी पता नहीं कि उनका डिवीजन अलॉटमेंट भी हुआ है या नहीं। तो ये दोस्तों, यहाँ पर एक लेख लिखा गया था और गोदारा के द्वारा यहाँ पर ये मांग की गई थी कि इस वैकेंसी को जल्दी से कंप्लीट करवाया जाए। और 2018-19 में ये भर्ती आई थी। यहाँ पर ग्रुप डी, पैरामेडिकल, जूनियर इंजीनियर, ये सभी जो वैकेंसियाँ आई थी इनकी नियुक्ति प्रक्रिया वो लगभग पूरी हो चुकी है, पर अभी लोको पायलट और टेक्नीशियन के अधिकतर अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। उन सभी अभ्यर्थियों ने लोको पायलट और टेक्नीशियन को 3-3 चरणों को पूरा करने के बाद भी मेडिकल परीक्षा पास की है और भर्ती प्रक्रिया चलते 2.5 साल हो गए हैं। इसके बाद नतीजा क्या है, नियुक्ति के लिए सिर्फ लंबा इंतजार, जबकि लॉकडाउन भी जेई इंजीनियर वालों को कॉलेटर भेजे जा रहे हैं, जबकि इन अभ्यर्थियों को लॉकडाउन का बहाना बताकर हमेशा आगे खिसकाया जाता है। तो ये खिलवाड़ सिर्फ अभ्यर्थियों के साथ ही क्यों, यहाँ पर ये इसमें सारी कुछ जानकारी बताई गई थी, आपकी देखा होगा आपने। और आज यहाँ पर जो दूसरी कटिंग आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज यहाँ पर दोस्तों, जयपुर और अजमेर के अखबार में ये न्यूज़पेपर आई है कि रेलवे भर्ती 1700 सहायक लोको पायलट व टेक्नीशियन नहीं मिले डिपार्टमेंट को, ट्रेन बंद होने से नहीं भेज पाए दस्तावेज, रेलवे ने अब अटकी भर्तियां होंगी पूरी। यानी कि इन्होंने बोला है कि ट्रेन बंद होने की वजह से हम दस्तावेज है वो नहीं भेज पाए, इसी वजह से यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो इसमें दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ने सफाई देने की कोशिश की है कि आपका जो आपकी नियुक्ति अटकी हुई है वो दोस्तों ट्रेन बंद होने की वजह से अटकी हुई है। तो यहाँ पर नीचे लिखा गया, रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा करीब 2.5 महीने पहले चयनित किए गए 1700 सहायक लोको पायलट एवं तकनीशियन अब तक रेलवे को नहीं मिल पाए हैं, अब जल्द ही यह इंतजार समाप्त हो सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के द्वारा सहायक लोको पायलट एवं तकनीशियन के 3086 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें से लगभग 4.7 लाख आवेदन आए थे। बोर्ड द्वारा 3 चरणों में परीक्षाओं का पास करने के बाद चयनित हुए सभी अभ्यर्थियों के 1.5 गुना अभ्यर्थियों का चिकित्सा एवं दस्तावेज परीक्षण जुलाई में हमें आयोजित करवा लिया। इस साल फरवरी तक 2020 लगभग 2800 पदों के अभ्यर्थियों को पैनलबंद करके रेलवे भर्ती बोर्ड ने अंतिम अनुशंसा करके यानी कि 2800+ यहां पर दिया था। बाकी वैकेंसी दोस्तों आपकी खाली रह गई थी, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी अजमेर ने ऑफिशियली आपका फाइनल पैनल है और कट ऑफ रिलीज कर दिया है, यानी कि इसके बाद कोई भी पैनल आपका नहीं आने वाला है। पैनल लिस्ट संबंधित हेडक्वार्टर को भेज दिया। अजमेर समेत सभी रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा पहले चरण की परीक्षा अगस्त 2018, दूसरे की जनवरी 2019, तीसरे चरण की परीक्षा 2000 मई 2019 में करवाई। इसके बाद चिकित्सा एवं दस्तावेज परीक्षण कुछ छात्रों का जुलाई 2019 में पूरा हो गया। सभी रेलवे बोर्ड के द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए पैनल लिस्ट समय समय पर जारी भी किए। पैनल का काम भी 2019 के अंत पर पूरा कर लिया जाना था, लेकिन अब समस्या यह है कि मेडिकल और वेरिफिकेशन का पैनल लिस्टों में आने के बाद भी अभ्यर्थी अब तक बेरोजगार बन कर घरों पर बैठे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण बढ़ा इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये दिया है इन्होंने, इसलिए नियुक्तियों में देरी कैसे करें रिपोर्ट। तो इसीलिए चयनित अभ्यर्थी रेलवे भर्ती बोर्ड जयपुर, जबलपुर समेत सभी विभिन्न मंडलों को मूल दस्तावेज व फॉर्म भेजने हैं। इस समय गाड़ियाँ बंद होने के कारण फॉर्म नहीं भेजे जा रहे थे। जिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी थी, ज्वाइनिंग के बाद सवे को उपस्थित होना है। रेलवे बंद है और लॉकडाउन जारी है, ऐसे में यह अभ्यर्थी कैसे रिपोर्ट कर पाएंगे। वही रेलवे को इन अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग भी दिलानी है, वो इस समय कैसे दिलाई जाएगी। ये दोस्तों यहाँ पर इनकी समस्याएं हैं कि आपका अजमेर का जो पैनल है वो दोस्तों जयपुर और जबलपुर दो जगह जाता है हेडक्वार्टर, वहाँ से डिवीजन अलॉटमेंट होकर संबंधित डिवीजन में आपका जाता है। अधिकारियों का दावा जल्द देंगे नियुक्ति, यहाँ पर यह बोला गया है। रेलवे ने एक दिन में 1000 अभ्यर्थियों को मेले लगाकर नियुक्ति दी है, इन अभ्यर्थियों को भी जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी। इन अभ्यर्थियों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्थिति सामान्य होते ही उन्हें रेलवे नियुक्ति दे देगा, यहाँ पर यह बोला गया है CPO नॉर्थन रेलवे NWR के द्वारा, नॉर्थ वेस्ट रेलवे के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया CPO के द्वारा। तो दोस्तों, संभवत सीधी सी बात यही है कि लॉकडाउन खत्म होते ही आपका यानी कि जून जुलाई तक आपके बाकी बचे हुए ज्वाइनिंग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल। तो वीडियो को दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।